नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा विद्यालय की डस्मित की तरफ से दोस्तों मैं, और आप देख रहे हैं हम स्विमिंग पूल पे आज आ चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा में विद्यालय क्रीडा समिति की तरफ से जो है स्विमिंग ये चल रही है। तो मेरी गुजारिश है जो भी इस वीडियो को देखे यहाँ एक बार आके जानकारी लें, और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानकारी आपको देंगे कि कैसे क्या प्रक्रिया है। तो हम वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे कि वो काफ़ी बच्चे हैं जो है स्विमिंग कर रहे हैं, और हम चलते हैं कुछ बच्चों से भी जानकारी लेंगे कि यहाँ कोच सर कैसे गाइड करते हैं और यहाँ स्विमिंग पूल पे किस तरह से स्विमिंग सीखते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं बच्चों के पास, और ये बच्चा बैठा हुआ आ रहा है, हम इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम युग मिश्रा है। युग मिश्रा, कहाँ से आते हो? मैं रायबरेली रोड उसी फैजाबाद। तो अभी आपने यहाँ एडमिशन लिया है, कितना दिन हो गया एडमिशन? मुझे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 15 दिन हुआ। क्या इसके पहले आपके स्विमिंग आती थी? हाँ, मुझे इसकी तरह स्विमिंग आती थी। अच्छा अच्छा, तो अभी आपको 15 से 20 दिन हो गया एडमिशन लिए। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोच सर कैसे गाइड करते हैं आप? कोच से एडमिशन जो मैं यहाँ पर पहली बार आया था, तो मुझे सारे दो से तीन दिन मुझे कुछ मिला, तो शायद मुझे कोच सर ने बताया कि ऐसी बबलिंग होती है, ऐसे क्या प्लान करते हैं। बबल्स क्या होता है? बबल्स बबल क्या होता है? ये देख रहे हैं दोस्तों, बच्चा बबल्स कर रहा है यहाँ। ये बच्चा बता भी रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पूरी अच्छी तरह से सभी बच्चों को गाइड किया जाता है। तो और अभी तक क्या आपने 15 दिन के दौरान स्विमिंग सीख गए? हाँ, मैंने कुछ स्विमिंग सीख गई, मतलब मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं कहीं अगर डूबूँ तो मैं बच सकता हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चा बता रहा है कि 15 दिन के दौरान, 15 दिन में ये बच्चा स्विमिंग सीख गया है। इसको फुल एक्सपीरियंस है कि अगर ये कहीं बच्चा फंस जाता है तो ये निकल सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचकर अपने बच्चों को यहाँ तक स्विमिंग के लिए लेकर आते हैं। इसमें सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या सोचकर आप स्विमिंग के लिए अपने बच्चों को लाते हैं? धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, भारत देश में जो डिजिटल इंडिया के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें सांसद खेल प्रतियोगिता से लेकर पूरे देश में लगातार खेल की प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं। इसको देख करके पेरेंट्स और बच्चे सब लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित हो रहे हैं कि हम खेल करके अपने शरीर से स्वस्थ होकर के, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के इस देश को, समाज को आगे डेवलप करेंगे। यही सोचकर हम अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराए हैं। करीब 1 महीना हो गया मुझे लगता है एडमिशन करवाए, आज हमको टाइम मिला तो हम भी साथ में चले आए बच्चों के साथ। तो 1 महीने हो गया आपको यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन कराए, तो कैसा मतलब आपको यहाँ मिल रहा है परफॉर्मेंस, मतलब कोच की तरफ से? यहाँ कोच, यहाँ का स्टाफ जी, और यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था हमारी जो अयोध्या है उसके अनुरूप है, उसमें कोई दोहरा नहीं। यहाँ के जो भी कोच हैं उनको सबको धन्यवाद, बच्चों को खूब अच्छे से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम प्रेरित करेंगे और भी ये पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को लाएं खेलो इंडिया के तहत, देश को और बच्चों को स्वस्थ बनाएं। ओके, धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारे साथ पेरेंट्स भी थे, और इन्होंने कितनी अच्छी आपको जानकारी भी दी कि खेलो इंडिया के तहत और भी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो खेल से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और सभी पेरेंट्स का भी यही मानना है दोस्तों कि जैसे फिजिकल Gotta taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break.
done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.